नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सेफ्राम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, आज हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्टॉक जो कि किचन में यूज किया जाता है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मीरपुआ और बुकेगार्ने क्या होते हैं और स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक फ्लेवरफुल लिक्विड होता है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है वेजिटेबल्स एंड बोन्स से, जो कि यूज किया जाता है सूप्स, स्ट्यूज एंड सॉसेस को प्रिपेयर करने के लिए। दैट इज द रीजन स्टॉक को फ्रेंच में फंड बोला जाता है, जिसका मतलब होता है फाउंडेशन, ओके। अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि स्टॉक प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है। फर्स्ट है बोन्स, व्हिच कुड बी चिकन, फिश, बीफ एक्सेट्रा। ये डिपेंड करता है हम किस टाइप्स का स्टॉक प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। सेकंड मेन इंग्रेडिएंट्स होता है मीरपुआ। मीरपुआ रफली कटा हुआ वेजिटेबल्स होता है जिसमें इंक्लूड होता है 1 part सेलेरी, 2 parts ओनियन एंड 1 part कैरोट, ओके। थर्ड मेन इंग्रेडिएंट्स होता है बुकेगार्ने, इन अ सिंपल वे बंडल ऑफ हर्ब्स, जिसमें इंक्लूड होता है बेलीफ, थाइम एंड पार्सली, ओके। स्टॉक प्रिपरेशन में 2 इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है जो है वाटर एंड सीजनिंग, सॉल्ट एंड पेपर, ओके। अब हम आते हैं थर्ड मेन टॉपिक पर जो है स्टॉक प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोन्स को स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है जिसका साइज होता है अराउंड 3 to 4 inches। उसके बाद बोन्स को ब्लांच, सौते या रोस्ट किया जाता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा स्टॉक प्रिपेयर कर रहे हो। जब बोन्स रोस्ट, ब्लांच या सौते हो जाता है उसके बाद में उसको किया जाता है बॉयल। जब स्टॉक में बॉयल आ जाता है उसको सिमर किया जाता है और उसमें ऐड किया जाता है मीरपुआ एंड बुकेगार्ने। अराउंड 3 to 4 hours सिमर करने के बाद उसको स्टेन किया जाता है और उसको सीजनिंग किया जाता है सॉल्ट एंड पेपर से। दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपेरेशन, ओके। फोर्थ मेन टॉपिक है स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं। स्टॉक 4 के होते हैं। फर्स्ट है व्हाइट स्टॉक जो कि बनाया जाता है ब्लांच चिकन बोन से और इसका प्रिपरेशन टाइम होता है 4 to 5 hours। सेकंड है ब्राउन स्टॉक जो कि बनाया जाता है रोस्टेड बीफ बोन से और इसका प्रिपरेशन टाइम होता है 6 to 8 hours। थर्ड है फिश स्टॉक विच इज ऑल्सो नॉन एज फीमेल स्टॉक, जिसको जैपनीज में बोला जाता है दासी। इसको बनाया जाता है रोस्टेड फिश बोन से और इसका प्रिपरेशन टाइम होता है अराउंड 20 to 30 minutes। फोर्थ है वेजिटेबल स्टॉक जिसको बनाया जाता है सौतेड वेजिटेबल से और इसका प्रिपरेशन टाइम होता है अराउंड 30 minutes। दीज आर द ऑल अबाउट स्टॉक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।